हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम है सर्वाइवल आइलैंड। ये मूवी बहुत ज्यादा शानदार है। ये 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। इस मूवी की कहानी इस तरह से है कि कुछ लोग हैं जो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और वो लोग इस आइलैंड पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और इन तीनों के बीच क्या होगा, यही जानेंगे हम आज की स्टोरी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। तो चलिए सर्वाइवल आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक सुनसान बीच को। आसपास कोई नहीं है, खाली समंदर है। उसमें से एक लड़की बहती हुई आती है जिसका नाम है जेनिफर। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो बड़ी मुश्किल से पानी के बाहर आती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देख पाते हैं कुछ समय बाद का समय। सब लोग हॉलीडे एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर जेनिफर और जेनिफर का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जैक होता है और बाकी के उनके दो साथी होते हैं, वो सब लोग भी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए एक नाव पर जा रहे होते हैं। वो वहां पर पहुंच के उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है और वहाँ पर मैनुअल भी होता है जो उन सबका ख्याल रखेगा। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैनुअल ही पूरा करेगा। वो लोग सब नाव पर चढ़ी रहे होते हैं, लेकिन तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो मैनुअल से झगड़ा करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और मैनुअल उससे शादी करने से मना कर रहा है अब, जिस वजह से उन दोनों में वहीं झगड़ा होने लगता है और वो लोग उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड मैनुअल के एक थप्पड़ मारती है, जिस वजह से मैनुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मैनुअल भी उसके एक थप्पड़ मारता है, जिससे मैनुअल की गर्लफ्रेंड को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे ये कहती है तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और ये कहकर वहां से वो चली जाती है। जिसके बाद वो सब लोग नाव पे चढ़ जाते हैं और नाव पे एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन मैनुअल काफी ज्यादा उदास होता है, इसीलिए मैनुअल किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है। वो सब लोग नाव में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वही हम देख पाते हैं मैनुअल की गर्लफ्रेंड को। वो मैनुअल से बदला लेने के लिए मैनुअल के ऊपर काला जादू कर रही होती है, जिससे वो मैनुअल को सबक सिखा सके। वो एक डॉल के साथ मैनुअल को जोड़ रही होती है और वही मैनुअल काफी ज्यादा उदास होता है। और वही हम देख पाते हैं जेनिफर और जैक को, वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और जैक का कमरा बगल में ही होता है, इसीलिए जैक सब कुछ सुन रहा होता है और जैक उन दोनों की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड उस डॉल पर मारती है, जिस वजह से मैनुअल की नाक से खून आने लगता है और मैनुअल कुछ भी नहीं समझ पाता है। जिस समय पता चलता है मैनुअल के ऊपर काला जादू का असर होना शुरू हो गया है अब। और जिसके बाद हम देख पाते हैं अगली सुबह वो सब लोग नाव में बैठे होते हैं और नाव में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मैनुअल काफी ज्यादा उदास होता है, इसीलिए वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है। वो जैक के लिए बियर लाता है और जैक को चुपचाप देके चले जाता है। जैक को लगता है वो एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस वजह से वो मैनुअल की शिकायत कैप्टन से करता है और कैप्टन उसे समझाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन मैनुअल काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए मैनुअल उसकी जॉब छोड़ने की बात करता है और कैप्टन कहता है वो जा सकता है। और उन दोनों में झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से मैनुअल उसके हाथ में जो कपड़ा होता है वो उस कपड़े को गैस के ऊपर फेंक देता है और एक चश्मा और एक चक्कू रख लेता है, जिससे वो यहां से निकल सके। लेकिन मैनुअल को भी अभी उस कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कपड़ा गैस के ऊपर गिर गया है। वो सब लोग बाहर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं उस कपड़े की वजह से पूरी नाव में आग लग रही होती है। और जब तक उन लोगों का ध्यान गया था, पूरी नाव में बहुत तेज आग लग चुकी थी और वो सब लोग जल्दी जल्दी एक छोटी सी नाव में बैठकर वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, समुद्र में तूफान लग जाता है और उनकी नाव डूब जाती है। वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कभी कहानी दोबारा से आती है जेनिफर पर। जेनिफर समुद्र के किनारे बैठी होती है, लेकिन तभी कैप्टन की लाश दिखती है। कैप्टन अब मर चुका था, वो कैप्टन को उठाने की कोशिश करती है, तभी वहां पर मैनुअल भी आ जाता है। मैनुअल देखता है कैप्टन अब मर चुका है और जेनिफर को ये देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। जेनिफर जैक के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो सब लोग अब अलग हो चुके हैं। मैनुअल जेनिफर को शांत कराता है। उस बीच पर कोई भी नहीं था, ना ही खाने पीने का कुछ सामान था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले एक झोपड़ी बनाते हैं। और मैनुअल काफी ज्यादा माहिर था मछली पकड़ने में, इसीलिए मैनुअल मछली पकड़कर जेनिफर के लिए लाता और वो दोनों अपना इसी तरह से पेट भर रहे थे। और उन दोनों की दोस्ती भी काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी अब। मैनुअल रोज जेनिफर के लिए खाना लाता है, जिससे वो लोग यहाँ पर जिंदा रह सके। एक दिन जैक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, वो एक झींगा पकड़कर ऊपर आ जाता है। वो एक पहाड़ों पर होता है, लेकिन तभी उसको पत्थरों पे उसे लेटा हुआ जैक दिखता है। जैक की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जैक बहुत ज्यादा जख्मी था और मैनुअल जैक को उठाकर बीच पर ले आता है। जब जेनिफर जैक को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जैक को जल्दी से अपनी झोपड़ी में लिटाते हैं और जैक को वो पानी पिलाते हैं। जैक वहीं पर ही आराम करने के लिए उनसे कहता है और वो दोनों उसे आराम करने के लिए वहां से छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जैक मिल चुका है अब। जेनिफर और मैनुअल आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और जब जैक उठता है उन दोनों को देखता है, जैक को उन दोनों पर शक होता है। जैक को लगता है उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। जब वो लोग वापस आते हैं तो जैक ने आग जला ली होती है। वो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और जैक से पूछने लगते हैं आखिर उसने आग कैसे जलाई, जिससे जैक उन्हें एक लाइटर दिखाता है और सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब लोग उस आग में खाना पकाकर खाते हैं। अब उन तीनों पर जिंदा रहने के लिए सब कुछ था, लेकिन जैक को मैनुअल और जेनिफर के ऊपर शक होता है क्योंकि वो दोनों एक साथ होते हैं और जैक को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए जैक जब वो लोग समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं वो दोनों, तो जैक उनकी झोपड़ी हटा देता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो वो जैक से पूछते हैं आखिर उसने
झोपड़ी क्यों उठाई, जिससे जैक बताता है वो तीनों एक ही झोपड़ी पे नहीं रह सकते, जिस वजह से जेनिफर कहती है ये झोपड़ी मैनुअल ने बनाई थी, लेकिन मैनुअल कहता है वो नाव के नीचे रह लेगा, लेकिन जेनिफर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैनुअल नाव के पास रहने लग जाता है। जैक जेनिफर से पूछता है उन दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, जिससे जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जैक मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, जिस वजह से जेनिफर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेनिफर मैनुअल के पास आती है और मैनुअल को बताती है कि जैक को लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और मैनुअल जेनिफर से बोलता है जब जैक को ऐसा लगता है हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो चलना ही चाहिए, जिससे जेनिफर उस पर गुस्सा करने लगती है। तीनों को खाने का इंतजाम मैनुअल ही करता था। जैक एक पैसे वाला एक रईस इंसान है, लेकिन यहाँ पर उसके पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जैक को मैनुअल और जेनिफर के ऊपर शक होने लग जाता है, जिस वजह से वो मैनुअल से पूछने लगता है और जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और इसी दौरान जैक और मैनुअल के बीच झगड़ा होने लगता है और मैनुअल जैक से कहता है आप अपने खाने का इंतजाम तुम खुद ही करना, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं करूंगा, जिससे जैक कहता है मेरी आग से दूर रहना, ये आग मैंने जलाई है, और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जेनिफर जैक पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, वो जैक से कहती है कि अब तुम्हें लगता है कि वो हमें खाने को देगा, हमें मछली पकड़नी नहीं आती यहाँ पर बिल्कुल भी, जिससे जैक कहता है वो उन दोनों का खाने का इंतजाम करेगा, उसे मैनुअल की कोई भी जरूरत नहीं है, मैनुअल के पास चश्मा होता है जिस वजह से वो समुद्र में आसानी से देख सकता था और मछली पकड़कर, लेकिन जैक के पास आग होती है, जैक मछली पकड़ने की कोशिश करता है और जेनिफर को काफी तेज भूख लगी थी और वहीं मैनुअल मछली पकड़ के ले भी आया था। जैक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में और आगे चले जाता है और वहीं जेनिफर जैक को मछली खाते हुए देख रही थी। जेनिफर मैनुअल की मछली खाकर वहां से जाने के लिए कहती है और मैनुअल से मना करती है, वो जैक को कुछ भी न बताए इसके बारे में, और थोड़ी मछली वो अपने साथ और ले जाती है जिससे वो बाद में खा सके। और वहीं हम जैक को देख पाते हैं, जैक पहाड़ों में होता है और उसे वहां पर कुछ छोटी मछलियां मिलती हैं, लेकिन जैक उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि जैक को मछली पकड़ने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, लेकिन जैक किसी तरह से छोटी मछली कुछ पकड़ लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। और वहीं हम देख पाते हैं जेनिफर को, जेनिफर मैनुअल की दी हुई मछली खा रही होती है, जब वो देखती है जैक उसके पास आ रहा है वो मछली दुबका देती है। जैक के पास सिगरेट बची होती है, इसलिए जैक अपनी सिगरेट जलाने के लिए उसी आग में से एक डंडी उठाता है और अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन तभी उसे डंडी पर मछली लगी हुई दिखती है और वो जेनिफर से पूछता है ये मछली कहाँ से आई, जरूर तुम्हें मैनुअल ने दी है ना। जैक उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिससे जेनिफर उसे बताती है कि उसने उसकी मछली चुरा ली, जिससे जैक मैनुअल से कहता है कि तुम्हारी इसने मछली चुराई है, जिससे मैनुअल कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेनिफर को मछली चुराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे चाहिए तो वो अपना आप खा सकती है मेरी मछली को। जैक को मैनुअल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जेनिफर और जैक अपने खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जैक को धुआं दिखाई देता है, वो जेनिफर से पूछता है क्या तुमने आग जलाई, जिससे जेनिफर मना कर देती है उसने कोई आग नहीं जलाई है। जैक देखता है वो आग मैनुअल ने जलाई है और जैक को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैक उससे कहता है तुमने मेरी आग कैसे चुराई, और उन दोनों में वहीं पर ही झगड़ा होने लगता है, वो दोनों एक दूसरे को मार देना चाहते थे, लेकिन जेनिफर किसी तरह से उन दोनों को अलग कराती है और जैक मैनुअल की आग ही बुझा देता है, जिस वजह से मैनुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जैक के ऊपर। जैक उससे कहता तुमने मेरी आग ली, मैं तुम्हारी मछली ले रहा हूं, और जैक उसकी मछली लेके वहां चले जाता है। मैनुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जैक से कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जैक को, जैक काफी ज्यादा भूखा होता है लेकिन वो समुद्र में बिना चश्मे के देख नहीं पा रहा होता है, और मैनुअल के पास चश्मा होता है, इसीलिए जैक जब मैनुअल सो रहा होता है उसका चश्मा उठाकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चले जाता है। और जैक के जाने के बाद जब मैनुअल की आंख खुलती है तो मैनुअल देखता है उसका चश्मा गायब है, और मैनुअल समझ जाता है जरूर ये चश्मा जैक ने चुराया, और वो पागल हो जाता है पूरी तरह से, और वो जैक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि जैक काफी ज्यादा भूखा है इसीलिए उसने चश्मा लिया है तुम्हारा, लेकिन मैनुअल के सर पर खून सवार था और वो जैक को मारने के लिए समुद्र में जा रहा होता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक रही होती है। और इसी दौरान मैनुअल जेनिफर को देखता है और जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जेनिफर उसको अलग हटाने लगती है लेकिन जैक अलग नहीं हटता है, जैक उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जिसके बाद जेनिफर भी उसे अलग नहीं हटाती है और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं वहीं पर ही। अब जेनिफर भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी। जेनिफर इंटीमेट होने के बाद काफी ज्यादा उदास होती है, वो मैनुअल से कहती है वो जैक को इस सब के बारे में कुछ भी ना बताए, और जेनिफर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जैक वहां से मछली पकड़ के लेके आता है और मैनुअल का चश्मा मैनुअल को वापस कर देता है। मैनुअल बिल्कुल शांत लेटा होता है और जेनिफर को मछली देता है और जेनिफर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है तुम उसका चश्मा क्यों ले गए थे, वो अपना चश्मा खोने के बाद बिल्कुल पागल हो गया था और वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा था आगे, जिससे जैक कहता है जब मैं आया हूं जब तो वो शांत लेटा था, आखिर तुमने उसे कैसे रोका, वरना वो तुम्हें आज मार देता। लेकिन जैक समझ जाता है इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है और वो जेनिफर से बोलता है क्या तुम दोनों एक हो गए, जिसे जेनिफर कुछ भी नहीं बोलती है। जैक समझ जाता है और जैक ये सुनकर काफी ज्यादा पागल होने लगता है, क्योंकि जैक जेनिफर से काफी ज्यादा प्यार करता था। जेनिफर से समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जैक अब समझ चुका था इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है, और जैक जेनिफर के बाल पकड़कर मैनुअल की तरफ घसीटते हुए ले जाता है और कहता है अब तू यहीं रह। मैनुअल और जेनिफर एक साथ रहने लग गए थे, और वहीं जैक वहीं बीच के किनारे पर जाता है पत्थरों पे, उसे वहां पर कुछ सामान मिलता है और जैक बोतल का चश्मा बना के
वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा होता है अपने खाने के लिए, और वही मैनुअल जेनिफर के लिए मछली पकड़ के ला रहा होता है। लेकिन जेनिफर जैक के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि शाम हो गई होती है और जैक अभी तक उनके पास नहीं आया है। एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और जैक ये सब देख रहा होता है। लेकिन जब जेनिफर जैक को देखती है तो वो जेनिफर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जैक मछलियां पकड़ रहा होता है अपना चश्मा पहनकर। तभी उसे एक नाव दिखती है, लेकिन वो नाव टूटी थी, इसलिए जैक समुद्र में अपनी सांस रोककर उस नाव को निकालने की बाहर कोशिश कर रहा होता है। जैक उस नाव को समुद्र में घसीटते हुए ले जा रहा होता है जैसे जैक कोई सुपरमैन हो। जैक बड़ी मुश्किल से बेर ऊपर आकर सांस रोककर अपनी उस नाव को किसी तरह से बाहर निकाल लेता है। जब जेनिफर और मैनुअल देखते हैं ये सब, जैक को नाव मिली है, तो वो जैक की तरफ आगे आते हैं उस नाव को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैक उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है और उनसे कहता है ये नाव खाली मेरी है और इससे मैं अकेला बाहर निकलूंगा यहाँ से। और मैनुअल और जेनिफर उससे कहते हैं वो तो खाली मदद करने के लिए आए थे, लेकिन जैक उनसे कहता है उसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। और जैक उस नाव को अकेले ही बाहर निकाल लेता है और मैनुअल और जेनिफर भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जैक अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है, जो उसमें सुराख होते हैं उन सुराखों को भर रहा होता है जिससे वो यहाँ से आसानी से बाहर निकल सके। जेनिफर जैक के पास आती है और जैक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक जेनिफर की कोई बात नहीं सुनता है और जैक काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है जेनिफर पर, जिस वजह से जेनिफर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रात का सीन, मैनुअल और जेनिफर एक साथ बैठे होते हैं। जेनिफर काफी ज्यादा उदास होती है, इसीलिए मैनुअल उससे नहाने के लिए कहता है कि वो दोनों समुद्र में नहाने चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं और वहीं पर ही वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और जैक उन दोनों को देख रहा होता है। जैक को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन, जैक ने अपनी नाव पूरी तरह से ठीक कर ली होती है और वो देखता है मैनुअल मछली पकड़ के ला रहा है, जिस वजह से जैक भी सोचता है कि वो भी मछली पकड़ के लाएगा, उसके बाद ही वो अपनी नाव में बैठकर वहां से निकलेगा। और जैक समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चले जाता है। जब मैनुअल ये देखता है जैक वहां पर नहीं है और उसकी नाव पूरी तरह से अब ठीक है, इससे हम निकल सकते हैं, तो वो जेनिफर को उठाता है और जैक की नाव लेकर भागने के लिए कहता है। और जेनिफर और मैनुअल उस नाव को धक्का देकर समुद्र में उतारने लग जाते हैं और इतने ही जैक भी आता है। जब जैक देखता है वो दोनों उसकी नाव को चुरा रहे हैं तो जैक उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो उस नाव को पानी में उतार लेते हैं और उस नाव में बैठ के चले जाते हैं। जैक पागल होने लगता है और जैक कुछ भी नहीं कर पाता है, जैक उन्हें ऐसे ही देखता रहता है और वो दोनों उस समुद्र में से निकल जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जेनिफर बोलती है क्या वो अकेले यहाँ से निकल पाएगा, लेकिन मैनुअल ज्यादा ध्यान नहीं देता है। समुद्र में थोड़ी आगे जाते ही उनकी नाव में छेद हो जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं जैक ने जानबूझ के यहाँ पर नाव छोड़ी थी जिससे वो उन दोनों को मार सके। वो उस नाव के छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं और वो दोनों पानी में तैरने लगते हैं और वो लोग तैरते हुए दोबारा से उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जब जेनिफर पानी से बाहर निकलती है तो वो जैक पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जैक ने उनकी झोंपड़ी भी जला दी होती है। मेरी उम्मीद से तुम्हें कुछ ज्यादा वक्त लग गया आने में, जेनिफर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, आखिर तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों करी। लेकिन तभी जैक देखता है मैनुअल भी पानी में तैरता हुआ आ रहा होता है, लेकिन मैनुअल काफी ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए जैक मैनुअल को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक रही होती है। लेकिन जैक नहीं रुकता है और मैनुअल के एक लकड़ी के भाले से कमर पर वार करता है और जेनिफर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, अगर तुम्हें लड़ना ही था उसके थकान का उतरने का इंतजार करते। लेकिन जैक तो बिल्कुल पागल हो गया था, वो मैनुअल को मार देना चाहता था, लेकिन जेनिफर उसे रोक रही होती है। और इसी दौरान मैनुअल को भी मौका मिल जाता है, मैनुअल एक पत्थर से जैक के मुंह पर वार करता है और अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। और जैक को जेनिफर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रात का सीन, जैक ने जेनिफर को बहुत बुरी तरह बांध रखा होता है और वो जेनिफर को मारने वाला था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं मैनुअल को। मैनुअल की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मैनुअल देखता है उसने जेनिफर को बांध रखा है और मैनुअल जैक के पीछे से वार करता है और वहीं उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और जेनिफर को भी मौका मिल गया था वहां से निकलने का, जेनिफर बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है और वहीं उन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को मार देना चाहते थे, लेकिन मैनुअल काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए जैक उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। जैक मैनुअल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर अपना को छुड़ा लेती है और वो जैक पे हमला कर देती है। जैक और मैनुअल में दोबारा से लड़ाई होने लग जाती है और मैनुअल उसे आग पर फेंक देता है और जेनिफर और मैनुअल वहां से भागने लगते हैं और जैक भी समुद्र की तरफ भागता है अपनी आग बुझाने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मैनुअल और जेनिफर को। मैनुअल की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मैनुअल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और वहीं हम देख पाते हैं जैक को। जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो मैनुअल को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब वो मैनुअल को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है और वहीं हम देख पाते हैं मैनुअल की गर्लफ्रेंड को। वो काला जादू अभी भी कर रही होती है, वो काला जादू करने में लगी होती है मैनुअल को खत्म करने के लिए और वहीं जैक भी मैनुअल को मार देना चाहता है। लेकिन तभी जैक देखता है जेनिफर और मैनुअल पेड़ पर है और जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है और जैक ने एक लकड़ी का भाला बना लिया था और वो मैनुअल की तरफ फेंकता है। मैनुअल काफी ज्यादा जख्मी था और जैक उसकी तरफ भाला फेंक के मारता है, जिस वजह से मैनुअल पेड़ के ऊपर से गिर जाता है और उन दोनों में वहीं पर लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन जैक मैनुअल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था क्योंकि जैक ने मैनुअल को पहले ही जख्मी कर दिया था और जेनिफर भी मैनुअल को बचाने के लिए जैक से
लड़ने लगती है और वही मैनुअल की गर्लफ्रेंड काला जादू कर रही होती है और एक अजीब सा डांस कर रही होती है और जेनिफर जैक के चक्कू घुसेड़ने की कोशिश कर रही होती है और वही मैनुअल एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और जैक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वही मैनुअल की गर्लफ्रेंड जो मैनुअल से उसने डॉल जोड़ी होती है उस डॉल को एक नुकीली चीज के आर पार कर देती है और मैनुअल भी वहीं पर गिर जाता है और एक लकड़ी उसके आर पार हो जाती है बिल्कुल सेम टू सेम और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये सब देखकर। मैनुअल ने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया उसकी सजा उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दे दी होती है लेकिन उसे जैक ने नहीं मारा होता है, उसी की गर्लफ्रेंड ने उसे मारा होता है काला जादू कर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कुछ मछुआरों को वो उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं जिस आइलैंड पर जैक और जेनिफर फंसे हुए हैं। अब काफी समय बीत चुका है, जैक और जेनिफर ने अच्छे से जीना वहां पर सीख लिया है, जेनिफर वहां पर सो रही होती है तभी वो लोग देखते हैं वहां पर एक झोंपड़ी बनी हुई है, उन्हें लगता है कोई यहां पर रहता है और वो लोग उस झोंपड़ी की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर जेनिफर सो रही होती है। वो जेनिफर से माफी मांगने लगते हैं और वो बोलते हैं जेनिफर से उन्हें नहीं पता था कि यहां पर कोई रहता भी है, जिससे जेनिफर उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उनसे मदद मांगती है और उन्हें सारी बात बताती है वो किस तरह से यहां पर फंस चुकी है और वो लोग जेनिफर को अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन जेनिफर जाने से पहले जैक का लाइटर को अपने पास रख लेती है जिससे जैक यहां पर आग ना जला पाए और वो जेनिफर को अपनी नाव पे बिठा लेते हैं और खाने को देते हैं। जेनिफर ने काफी वक्त बाद अच्छा खाना खाया होता है और वहीं हम देख पाते हैं जैक को, जब जैक नाव को देखता है और उसमें जेनिफर भी बैठी होती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है जेनिफर उसे भी बुलाएगी अपने पास लेकिन जेनिफर वहां पर किसी को भी नहीं बताती है कि यहां पर और कोई भी फंसा हुआ है और जैक को उसी आइलैंड पर छोड़कर वहां से चली जाती है और साथ ही उसने जैक का लाइटर भी ले लिया होता है। जैक ये सब देखता है तो काफी ज्यादा परेशान होता है और जेनिफर उस नाव में बैठकर वहां से निकल जाती है और जैक चिल्लाता रह जाता है। जेनिफर की अब जान बच चुकी थी और जेनिफर उस आइलैंड से अब निकल चुकी थी और जैक वहीं पर ही फंसा हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बताना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। सर्वाइवल आइलैंड मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।